आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड प्रमुख व उपप्रमुख पर लगे अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। इन लोगों की कुर्सी बच गई है। बता दें कि आजमनगर प्रखंड प्रमुख नगमा परवीन व उपप्रमुख अनिफुल उर्फ वदुल पर लगे अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। सोमवार को प्रखंड सभागार में पंचायत समिति सदस्य सीमा गुप्ता के द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 15 समिति सदस्य की उपस्थिति हुई है, जिससे प्रमुख व उपप्रमुख की कुर्सी गिरने से बच गई। इस मामले में BDO सह कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव जो लगाया गया था उसे लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रमुख नगमा परवीन व उपप्रमुख के समर्थन में 23 पंचायत समितियों का समर्थन रहा, जिसकी अनुपस्थिति में पंचायत समिति सदस्यों ने समर्थन दिया और प्रमुख व उपप्रमुख अपनी अपनी कुर्सी बचाने में सफल हुए। प्रमुख प्रतिनिधि आजमनगर, मेरे पत्नी के विरुद्ध, नगमा परवीन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था और हमारे अनिफुल भाई उप प्रमुख के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था, जिसमें कि हमारे यहाँ कुल 38 माननीय पंचायत समिति सदस्य हैं। और आज इस विशेष बैठक में मात्र 15 ही उपस्थित हुए और इस प्रकार जो है तो नगमा परवीन और हमारे अनिफुल भाई उप प्रमुख साहब अपने पद को बरकरार रखने में कामयाब हुए। आपके समर्थन में कितना लोग थे? 23 लोग हमारे समर्थन में। और उनके कितना थे? 15।